हाँ तो दोस्तों, मेरे ब्लॉगिंग में जो आप एक चेहरा देखते रहते थे वो यही है। और आप बोलते हो ना कि ये कौन है ब्लॉगिंग में बोलता है जिसका तू आवाज़ काट देता है, तो भाई आज इसकी मैं कोई आवाज़ नहीं काटने वाला हूँ, आज इसकी ही आवाज़ आपको सुनने को मिलेगी। और यहाँ पे आने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारा एक दोस्त है जिससे हमको लेनी है पार्टी, और उस पार्टी की सारी सेटिंग ये भाई साहब ने की हुई है, तो इसके वजह से आज हम लोगों को थोड़ा पार्टी मिल जाएगी और कुछ कमीनों से थोड़े पैसे भी ऐंठ लेंगे। तो पहले तो राहुल बता। सही बात है भाई, वो दोस्त है बहुत महीनों से नहीं आ रहा था मिलने के लिए, करने के लिए। क्यों नहीं आ रहा था? क्या पता क्या हो गया था, दोस्ती से शायद नफरत हो गई हो। किसके चक्कर में? ओ भाई, किसी न किसी चक्कर में होती है। इसका कहने का मतलब है गर्लफ्रेंड। कोई इंसान मिल जाता है तो दोस्तों को भूल जाते हैं, फिर जब कुछ ठोकर खाते हैं तो दोस्त वापस याद आ जाते हैं। ऐसे ही कम से कम 6-7 महीना चला, फिर वो आया, आके बातचीत छलक गया। भाई ये छलक गया जिसके बारे में बात कर रहा है, अभी भी वो लड़का बाहर लड़की से ही बात कर रहा है। मैं आपको दिखा दूंगा, वो साले को कुछ भी बोल लो, कुछ भी कर लो, उसको फर्क नहीं, तो हमको भी फर्क नहीं भाई, तू हमें पार्टी दे। करते फिर कुछ बोला, चलो आज यार कुछ पूरी बात अभी बता दे, अब मैं लोगों को दिखा के आता हूँ कौन है वो। अरे मैं बात हो रही है ना, वो इधर ही है और अभी भी यहाँ पे पार्टी देने आया, हमारे लिए ऑर्डर कर दिया है, पर उससे कुछ मतलब नहीं है। देखो अभी भी, देखो अभी भी उसका ध्यान वहीं पर, अभी भी गर्लफ्रेंड से ही बात कर रहा रहेगा, एकदम सीरियस है। देखो ये देखो, अनिल किससे बात कर रहा है? हाँ? किससे बात कर रहा है? तो तू यहाँ पे पार्टी देने आया ना हम लोग को? हाँ, तो आने दो ना, ऑर्डर आने दो। तो तू यहाँ पे क्या कर रहा है? बात कर रहा है। किससे बात कर रहा है? बस तू है, देख रहे हो, इसको ये फ़र्क नहीं कि यहाँ पे पार्टी देने आया और यहाँ पे बैठा हुआ है। इतना अच्छा सोसाइटी छोड़ के, ये जंगल है, हरी पत्ती छोड़ के, पता नहीं कौन सी पत्नी के पीछे लगा हुआ है। अभी है तो भाई बात तो करनी पड़ेगी ना, गर्लफ्रेंड है तो है, सिंगल लोग की तरह थोड़ी रहते हैं। ठीक है, अभी आने के बाद ऑर्डर, फिर मिलते हैं आपसे। बात हो गई? किससे बात? किसी से बात? बाहर बैठ के क्या कर रहा था? अरे वो तो कस्टमर केयर वाली थी। अच्छा, कस्टमर केयर से इतने टाइम तक बात हो रही थी? हाँ, बन गया, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था ना मेरा बैलेंस। अच्छा चल, वो छोड़, अभी मैंने सुना तू यहाँ पे पार्टी दे रहा है। हाँ तो वो उस बात के लिए तू इसको कितना थैंक यू बोलना चाहेगा? इसका मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू दिल से बोलना चाहूँगा, दिल से। क्यों? अंदर बहुत कुछ है मेरे अंदर, वो निकाल नहीं पा रहा। भाई आपको कोई भी पार्टी के लिए टिप्स चाहिए, राहुल सेठ आपको पूरी टिप्स दे देंगे। राहुल तूने किस क्या सेटिंग किया ना, इसके जाने के बाद बताना, अभी मत बताना। सही बात है, और भी पार्टी लेनी बाकी है ना। सही बात है, कैसे एक बंदे से पार्टी करवाया जा सकता है? इससे पूछो, इससे कांटेक्ट करें। सुन रहे हो, अब पार्टी में क्या आने वाला है आने के बाद बताता हूँ। जब होगी तब होगी, पर मेरे दोस्त का एक बहुत तकलीफ है, वो जब भी इसके घर पे आता है ना, ये भाई उसको बोलता है कपड़ा डाल दे, कपड़ा धो दे, ये कर दे। अनिल तू क्या कर रहा है? नीचे वाले प्रो टिप देते हुए। अनिल इतना कपड़ा तूने घर पे भी सुखाया है? चलते रहता भाई ये सब थोड़ा बहुत। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है भाई साहब, और इनको अभी तक ये सेट करने नहीं आया, और जितने दिन से खरीद के लाया हर दिन बोलता है यूज करने के बाद दे दूंगा, और आज तक दे नहीं पाया। जब भी लाएगा तब तो बोलेगा यूज करके दे दूंगा। कपड़ा सुखाने की तैयारी। अच्छा, तो राहुल भाई क्या कहना चाहोगे, इतने बड़े इंजीनियर को तुमने कपड़ा धोने वाला बना के रखा है, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? यार इंजीनियर होने से पहले मेरा दोस्त है। अच्छा, दोस्त का दोस्ती के लिए काम करना कोई बुरी बात नहीं होती है। ये कैमरे के सामने आने के बाद संत क्यों बन जाता है? नहीं ये तो थोड़ा सा क्या दुनिया का दस्तूर है। हाँ, जैसे चलती है दुनिया ऐसे ही चलना चाहिए। अरे बाप रे, ये इतना प्यार से इसलिए बात कर रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई उसका काम कर रहा है। अनिल यार इतनी सेवा तू किसकी करेगा कि नहीं करेगा? कर ले यार, आज सीखेगा तो कल काम आएगा तुझे। जब लड़के काम करते हैं तो दिल लगा के, उसी से पार्टी लेना है और उसी से कपड़े भी डलवाए जा रहे हैं। इतने बड़े महान व्यक्ति कहाँ मिलेंगे आपको? जुल्म है, जुल्म। अरे जुल्म नहीं पागल, तू कुछ सीख रहा है क्या? कपड़ा सुखाना। अरे आता है, आता है, मैं सीखूंगा ना, अपना बीबी को सिखाऊंगा। बीबी को तो खैर तू सिखाएगा, बिजी तो वही है तू। एक पिज्जा, दो पिज्जा, तीन पिज्जा, भाई से हमने काट लिए टोटल 4 पिज्जा। ऑर्डर कर दिए मोजो से, कब का टाइम सेलेक्ट किया है? 8 बजे का, 7:30 से 8। तो इतना तरह बच क्यों रहा है वो? कुछ नहीं, ऐसे ही बस आते रहता है उसका। तू सही जवाब नहीं देगा। राहुल इसका मोबाइल इतना बच क्यों रहा है? साला खुद बिजी है वो। उसका खुद का आ रहा है। दिखा ऑर्डर, दिखा।
देखो ऐसी बात नहीं है, दोस्त कमीना नहीं है, पार्टी दे देता है। ये है सौदा, ब्लर हो रहा है यार, क्लिक करना तो स्क्रीन पे। यार लगता है ना तेरा डिटेल देखने नहीं चाहते हैं। चल ठीक है, ऐसे ब्लर इनफ है ना, खाली खाली होके अंदर से तो काफी तकलीफ हो रही है। हाँ काफी दुख लग रहा है लेकिन दिखा नहीं सकते, दिखा नहीं सकते। इसके लिए तू कपड़ा सुखा रहा था वहाँ पे, बस वही था, उसमें थोड़ा गीले कपड़े थे, उसमें अपने थोड़े आंसू भी निकल गए। अब भाई पिज्जे का इंतजार हो रहा है, जल्दी से आ जाए फिर मिलते हैं। भाई एक प्रो टिप देने जा रहा हूँ, अगर नए नए यूट्यूब चैनल चालू करते हो तो उसके व्यू कैसे बढ़ाना है, ये देखो ये आज की वीडियो है, सेम वीडियो है लेकिन अलग अलग मोबाइल पे देखे, अलग अलग मोबाइल पे टेक्नोलॉजी का पूरा यूज किया जा रहा है। दोनों भाई लगे हुए हैं अपनी तरफ से जी जान से, व्यू बढ़ा के रहेंगे, व्यू बढ़ा के रहेंगे। भाई आप भी देखो थोड़ा, भाई पिज्जा तो नहीं आ रहा लेकिन एक एक लड़के बढ़ते जा रहे हैं। एक और आ गया, पिज्जा आया नहीं, लुटेरे पहले आ गए। ये देख सबको काम लगा रही है, और ये इसका घर देखो, ये घर है, देखो भाई ये इसका ऐसे ही काम चलने वाला है। भाई हो गया साफ सफाई। सागर सेठ दोस्त कैसा लगा एक पीजे के लिए इतना मेहनत करके? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया लगा भाई। और भाई साहब भाई पिज्जा कभी आने वाला है ये बता? बस दो मिनट, जिससे पार्टी लेने थे साला वही गायब हो गया है, वही लेने के लिए गया है। पिज्जा उसकी पार्टी उसकी तरफ चल रही है। थोड़ा पिज्जा वाला तो नहीं बन गया वो? नहीं नहीं नहीं, रास्ते का 100 रुपए का पिज्जा खरीद के डब्बे में डाल के ना दे दे, खुशी से लेके आ रहा है। कितना संस्कारी बात करता था ये भाई। हमारा पिज्जा शायद आ गया है यार, तू पार्टी देने के लिए पिज्जा वाला कब से बन गया? बस सब करना पड़ा, बना के लाया ताजा ताजा। ऐसे दोस्त भगवान सबको दे, जो पार्टी भी दे और लेके भी आए। बस यही है, थैंक यू दोस्तों मुझे इतना पार्टी देने के लिए। खाने के बाद डब्बा उठाने के लिए आ जाना, आ जा नीचे आ जा ये सागर चल। ये है पिज्जा, आज शनिवार दिन है और दूसरा हमारे भाई सिर्फ वेज खाते है। ये क्या है? पिज्जा। ये है पनीर ओवरलोडेड। ओके ये कौन सा है रे? आज भाई साहब वेज है, शनिवार है। जय सियाराम, जय जय सियाराम। अनिल भाई कैसा लग रहा है आपको देख के? क्योंकि आप तो खाओगे नहीं, जो पार्टी देता हो कभी नहीं खाता है। नहीं हम टेस्ट करेंगे ना। ये है दूसरा, ये पेपी पनीर, पेरी पेरी पनीर। सॉरी भाई केचप है के नहीं है? उसके बिना तो मेरे को मजा नहीं आया। अरे उधर है भाई केचप, ये है मशरूम, ये मशरूम विशरूम है, वो कम दिया मसाला ये सब। और अबे चार चार पैकेट है, चारों खोल रहा है एक साथ। अरे अरे फिर पैक कर लेंगे। हां पैक कर लेंगे। ये नजारा, ये भाई इसको बोलते तो भाई अभी टूट पड़ते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। दिल से सुकून निकल रहा है अनिल भाई, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। सबके सब लगे हुए हैं, इंजॉय भाई। भाई खा के पेट भर गया। ए देखो एक इधर पड़ गया है, एक इधर पड़ गया है, एक उधर पड़ गया है, और ये लास्ट के पीस बचे हुए हैं। इसके ऊपर लड़ाई चल रही, मेरी तो खत्म नहीं हो रही है। आगे खत्म कर लो यार। हाँ बोल दिया भाई, सुन लिए तो बस आज के ब्लॉग भी इतना ही रखते हैं। अनिल भाई थैंक यू, राहुल एक बार थैंक यू बोल दे। अनिल भाई थैंक यू। और भी कुछ बाकी है? नहीं नहीं बस एक रेड बुल बाकी है, चार चार रेड बुल, चार रेड बुल। अगर आ गया तो ब्लॉग आगे चलेगा, नहीं आया तो ब्लॉग आएगा। अभी होगा समझ जाना कि साले ने नहीं दिया है। चलो जाने की देखते रहिए आगे क्या होगा। आएगा आएगा।